प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। विपत्तियाँ हमारे जीवन में आए वो किसी को पसंद नहीं, लेकिन विपत्ति जब आती है तब इंसान किसका है वो छांट लिया जाता है, मतलब कि पता चल जाता है कि वो परमेश्वर का है या शैतान का। और मानो विपत्ति तीन तरह से आती है, तीन प्रकार से विपत्ति आती है। किस तरह से और कैसे इंसान जांचे जाते हैं विपत्तियों के जरिए, वो जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहो। इंसान के जीवन में एक विपत्ति आती है और विपत्तियाँ जो होती है वो बता देती है कि कौन परमेश्वर का जन है और कौन शैतान का है। ध्यान से समझना कि विपत्ति इंसान के जीवन में आती है और इंसान को वो विपत्ति वो छांट लेती है। या तो ये परमेश्वर का है वो बता देती है विपत्ति, या तो विपत्ति ये बता देती है कि ये परमेश्वर का जन है। और इंसान के जीवन में तीन तरह से विपत्ति आती है, तीन तरह से इंसान के जीवन में एक विपत्ति आती है और उन विपत्तियों में इंसान पहचाना जाता है। परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा बोला था, सबसे पहले विपत्ति किस तरह से आती है, तो परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा बोला था, अब्राहम तेरी अंश वो परदेश में जाएगी और वहाँ पर 400 साल तक वो लोग गुलाम बने रहेंगे। देखो ये गुलामी, ये विपत्ति, 400 साल की विपत्ति इज़राइल प्रजा के ऊपर आई, लेकिन इन लोगों का कोई पाप नहीं था, इन लोगों की कोई गलती नहीं थी, अभी तो पैदा ही नहीं हुए थे। उससे पहले उनके ऊपर विपत्ति डाल दी गई। अभी तो अब्राहम को भी एक भी संतान नहीं है, अभी तो ईसाक होने वाला है, ईसाक के बाद याकूब होने वाला है, याकूब के 12 पुत्र होने वाले हैं, उसके बाद यूसुफ जो है वो मिस्र देश में जाएंगे, सभी को वहाँ बुलाएंगे और यूसुफ मर जाएंगे, तब जाकर विपत्ति शुरू होने वाली थी। लेकिन परमेश्वर ने एडवांस में बता दिया कि 400 साल तक विपत्ति, और ये विपत्ति मालूम है कैसे आई और किसकी तरफ से आई। ये विपत्ति आई फिरौन की ओर से। परमेश्वर ने फिरौन को नहीं बोला था कि तीन इनके ऊपर राज कर इनको गुलाम बना दे, और फिरौन उसका दूसरा मतलब होता है शैतान। हालेलुया। सबसे पहले विपत्ति वो शैतान से आती है, और शैतान से इसलिए आती है क्योंकि एक वचन पढ़ते हम प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसका 7 वचन। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। शैतान और शैतान के लोगों को, मसीह के विरोधियों को ये अधिकार दिया गया है, उनको अधिकार दिया गया है कि जो मसीह को माने उसको मारो, उनको सताओ, उनको खत्म भी कर दो। तो एक विपत्ति इनकी ओर से आती है, शैतान की ओर से, लेकिन किसके लिए? सिर्फ मसीही लोगों के लिए। और जब भी मैं बोलूँ मसीही लोग तो इसका मतलब क्रिश्चियन लोग मत समझना। हाँ, मसीह धर्म मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मसीही का मतलब जिसके अंदर मसीह है। हालेलुया। सिर्फ वही लोग सताए जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा, उनके ऊपर शैतान को, मसीह के विरोधी को, उनके ऊपर अधिकार मिला है। और फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा उसका 12वां अध्याय उसका 17 वचन। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर रहे और यीशु की गवाही देने पर स्थिर रहे लड़ने को गया। लड़ने को गया शैतान किससे लड़ने के लिए गया? जो लोग गवाही देते हैं। शैतान किससे लड़ने के लिए गया? जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। तो इनके ऊपर फिरौन की ओर से, मतलब शैतान की ओर से विपत्ति आती है। क्यों मानते हो प्रभु यीशु को?
क्यों प्रभु से को पीछे चलता? धर्म वाली बात नहीं है, धर्म तो कोई भी मान लेगा। चलो अच्छा यार, बोल्ड कपड़े पहनने को मिलेंगे, हफ्ते में एक ही बार जाना है चर्च में, मीट खाने को मिलेगा, है ना, कई लोग तो समझते शराब पीने को मिल जाएगा, तो कई लोग मान लेते हैं। ये मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा, जिसके अंदर मसीह है ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। और मसीह का होना मतलब मसीह नम्र, अभी गाना गया मसीह नम्र है, मसीह दयालु है, मसीह कृपालु है, वो विश्वास योग्य है, ऐसे गुण जिसके अंदर है, जो अपने दुश्मन से भी प्रेम करता है, जिसके गाल पर एक थप्पड़ मार दो तो जो बोलेगा कि दूसरे गाल पर मार दे भाई, इसको बुरा लग जाएगा, एक को लाल कर दिया दूसरे को भी कर दे लाल, ऐसे जो जीवन जीता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों को शैतान परेशान करता है, उसको अधिकार दिया है कि ऐसे लोगों को तुम मार भी दे, परेशान तो कर लेकिन मार भी दे। तो जो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं ऐसे लोगों के ऊपर विपत्ति आती है, तो विपत्ति छांट लेगी ना। जो संसार में समाधान कर लेता है और लोगों से समाधान कर लेता है, कोई बात नहीं मैं ऐसा भी कर लूँगा, कोई बात नहीं मैं ऐसा भी कर लूँगा, उसको शैतान क्यों सताए, उसको क्यों मारे, उसने समाधान कर लिया। तो पहले विपत्ति जो आती है वो शैतान की ओर से आती है, लेकिन आती है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को सच्चाई से आत्मा से मानने वालों के ऊपर ही। हालेलुया। और ऐसा समझते हो कि बिना सताए परमेश्वर के राज में पहुंच जाओगे तो ये गलत बात है, वहां नहीं पहुंच सकते। और दूसरे तीमोथी में लिखा है, दूसरा तीमोथी उसका तीसरा अध्याय उसका 12 वचन, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। परमेश्वर के पीछे चलोगे तो सताए जाएंगे। पत्रस को देखो, यूहन्ना को देखो, पौलुस को देखो, याकूब को देखो, अरे बाइबल में जितने भी परमेश्वर के दास आए सभी लोगों को देखो, किसी की भी मौत कुदरती तौर तरीके से नहीं हुई कि कोई बुढ़ा हो गया और आसानी से मर गया, ऐसा कोई नहीं हुआ। योहन्ना के बारे में भी मत सोचना जिसे प्रकाशित वाक्य लिखा, उनको किसी ने नहीं मारा था, लेकिन भूख प्यासे तो मारा था ना, भूखे प्यासे होकर मर गए, खाना नहीं मिला उनको वहाँ पर इसलिए मर गए। किसी की भी मौत कुदरती तौर तरीके से नहीं हुई, उनको मार ही दिया गया। तो परमेश्वर के पीछे सच्चाई और आत्मा से चलोगे तो आप सताए भी जाओगे, मार दिए भी जाओगे, लेकिन संसार में थोड़ा इधर और थोड़ा इधर, आज पत्नी ने रोक लिया, कल पिता ने रोक लिया, कल रिश्तेदार ने रोक लिया, शादी ने रोक लिया, बर्थडे ने रोक लिया, किसी परंपरा ने रोक लिया, तो समझ लो आप इधर उधर जीवन जीते हो। समाधान कर लेते हो तो आपके विरोधी कोई नहीं होंगे, लेकिन जब परमेश्वर को पहला स्थान, परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तो उसके कारण जो विपत्ति आती है वो पहली विपत्ति शैतान की ओर से, और उसमें परमेश्वर के लोग परखे जाएंगे कि हाँ ये परमेश्वर का है इसलिए सताया जा रहा है। हालेलुया। और मत्ती में ऐसा लिखा उसका 24 अध्याय उसका 13 वचन, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन ऐसे लोग जो परमेश्वर में चलते वो अंत तक धीरज धरे रहेंगे तो बचाए जाएंगे। ये अंत तक ऐसा होगा तो पहले विपत्ति शैतान की ओर से और वो सिर्फ परमेश्वर के लोगों के ऊपर, तो परमेश्वर के लोग और शैतान के लोग पहचाने जाएंगे, सांसारिक लोग पहचाने जाएंगे, और ये विपत्ति वो इंसान को छांट लेती है। एक दूसरी विपत्ति आती है, और दूसरी विपत्ति आती है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। दूसरी विपत्ति आती है परमेश्वर की ओर से, और देखने जाओ तो ये विपत्ति नहीं है लेकिन ये परमेश्वर का न्याय है, ये परमेश्वर का दंड है। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है उसका अध्याय 6 और 16 और 17 वचन, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। हाँ, जो लोग शैतान के हैं और परमेश्वर के लोगों को परेशान करते थे, परमेश्वर के लोगों को मार देते थे, तो उनके ऊपर एक बार परमेश्वर का न्याय आता है, उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आता है।
और जब परमेश्वर का धन उनके ऊपर आता है, जिस तरह से फिरौन ने 400 साल तक इज़राइल लोगों को परेशान किया, तो देखो फिरौन का फिर क्या हाल हुआ। तब फिरौन और फिरौन की सेना के ऊपर और फिरौन के लोगों के ऊपर विपत्तियाँ आई, 10 तरह की विपत्तियाँ उनके ऊपर आई। पानी का लहू बन गया पूरे मिस्र देश में, वो लोग पी ना सके। वहाँ पर मक्खी आई, मक्खी के साथ रह ना सके। वहाँ पर ढेर सारे मेढक आए, उनको परेशान किया। टिड्डी आई और उनके खेतों को खा गई। आग के साथ ओले गिरे, उससे भी खेती और पेड़ों को नुकसान कर दिया, ख़त्म कर दिया। और फिर पहलौठों को मार दिए गए और वहाँ पर अंधकार छा गया। लेकिन इन सारी बातों में एक बात होती थी, उसी मिस्र देश में रहने वाले परमेश्वर के लोग, उसी मिस्र देश में रहने वाले परमेश्वर के लोग जो रामसेस या गोसेन में रहते थे, उनको ये सारी परेशानी या सारी विपत्ति झेलनी नहीं पड़ती थी। ये परमेश्वर के लोग और वो फिरौन और फिरौन के लोग, तो फिरौन और फिरौन के लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन उन लोगों ने जो किया था परमेश्वर के लोगों के साथ, आज उसका दंड भुगत रहे। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने क्या किया था? उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, इसलिए परमेश्वर ने उनको इस सारी बातों से आज़ाद रखा था, अलग रखा था। तो ये विपत्ति भी दोनों को छांट लेगी, कौन शैतान के लोग और कौन परमेश्वर के लोग। और एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक उसका 8वां अध्याय इसका 22 वचन। उस दिन मैं गोसेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा। हाँ। और उसमें मैं डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ। हाँ, परमेश्वर ने बोल दिया मैं मेरे लोगों को अलग रखूंगा। हालेलुया। तो देखो ये सारी विपत्ति जो आती है, वायरस फैलते हैं, लोग बोलते हैं बस अभी तो सभी जगह पर वायरस है, तो बुखार आ जाता है, सर्दी आ जाती है। अरे बरसात में नहाए इसलिए सर्दी हो गई, बहुत धूप में गए इसके लिए गर्मी लग गई। ये सब कुछ जो बातें हैं, मालूम है किसके लिए? ये उनके लिए है जो परमेश्वर के लोगों को परेशान करते थे, ये परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर के लोगों को ये होता है, तो इसका मतलब वो सही से चाल नहीं चलते। ये दूसरी विपत्ति भी परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के लोग जो नहीं है उनको छांट देती है, उनको जुदा कर देती है। परमेश्वर को कैसे पता कि मेरे लोग कौन से हैं? क्यों मिस्र देश में जहाँ पर परमेश्वर के लोग रहते थे वहाँ पानी का लहू नहीं हुआ? क्यों वहाँ पर अंधकार नहीं छाया? परमेश्वर को कैसे मालूम कि मेरे ही लोग हैं? क्योंकि परमेश्वर के लोग बिखरे हुए, ऐसा नहीं किसी एक जगह पर है। तो परमेश्वर अपने लोगों को कैसे जांचते हैं, कैसे उनको पता चलता है मेरे लोग हैं? और हम एक वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसका 1-3 वचन। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उससे उन चार स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। परमेश्वर ने कहा कि पहले मेरे लोग जो है उनके ऊपर एक मुहर लगा दो। तो जब परमेश्वर के लोग उनके ऊपर एक मुहर लग जाती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन ये मुहर मतलब पवित्र आत्मा है। और परमेश्वर जो भी विपत्ति आसमान से भेजते हैं नीचे, उस विपत्ति को बोलकर भेजा है कि जहाँ पर मेरे लोग देखे, जिनके सर के ऊपर तू निशान देखे ना, उसके पास मत जाना। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने बोलकर भेजा है। और इसलिए बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय उसका 4 वचन पढ़ो तो। उसने कहा कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी घास को, न हरियाली को, न किसी पेड़ को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, हानि पहुंचाना, केवल उन मनुष्यों को हानि, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाना जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं। हालेलुया। ये जो बोलते हैं ना,
गुजरे बावड़ चालियो से, ये सब भूल जाना। ये परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है जो सच्चाई से और आत्मा से चलते, क्योंकि परमेश्वर उसको भेजा तो है लेकिन बोलकर भेजा है। जहां उस मुहर को देखो ना, वहां पर जाना नहीं, मेढक आए टिड्डी आई, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास वो नहीं जा सकी। और मालूम है परमेश्वर ने साथ में उनको क्या बोल कर रखा है? एक वचन और पढ़ते हैं, यहेजकेल के पुस्तक में उसका 9 अध्याय और वचन 6। बूढ़े युवा, बूढ़े युवा, कुंवारी कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मार कर नष्ट करो। हाँ, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, हाँ, जिसके माथे पर परमेश्वर का चिन्ह हो, निशान हो, उसके निकट न जाना, मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। हाँ, पहले मेरे लोगों से शुरुआत करो, जो अपने आपको मसीह कहते हैं उनसे ही शुरुआत करो, ऐसा परमेश्वर बोले। लेकिन सच्चे मसीह है नहीं, शुरुआत उनसे करो। उनको बीमारियां लग जाएगी, उनको विपत्ति में फंस जाएंगे, और पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर का जन है या परमेश्वर का जन नहीं है। हालेलुया। दूसरी विपत्ति में भी परमेश्वर के लोग और जो परमेश्वर के लोग नहीं है वो पहचाने जाएंगे, और दूसरी विपत्ति परमेश्वर की और से आती है। और तीसरी विपत्ति जो आती है वो शैतान लेकर आता है। अभी ध्यान से समझना, शैतान कैसी विपत्तियाँ लेकर आता है? वो बीमारियाँ लेकर आता है, वो धरतीकंप लेकर आता है, वो ज्वालामुखी को फाड़ देता है, वो सुनामी लेकर आता है, वो आंधी लेकर आता है, वो तूफान को लेकर आता है। ये सारी बातें शैतान की ओर से होती है। कुछ साल पहले अफ्रीका में एक बीमारी चली थी, और बीमारी का नाम था इबोला, अगर याद हो तो। और इबोला नाम की बीमारी किसी मच्छर से फैलती थी, और उस मच्छर को पैदा करने वाले जो लोग थे वो अमेरिका के लोग थे। कभी गूगल पर सर्च मार कर देख लेना, स्पष्ट लिखा है कि इबोला नाम की बीमारी लाने वाले अमेरिका वाले थे, उन लोगों ने वो मच्छर बनाकर वहाँ पर भेजे थे। ऐसा कहा गया कि चाइना की गुहान लेबोरेटरी से एक वायरस उनके हाथों से निकल गया, और कोरोना नाम की बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। ये शैतान के लोग ऐसे वायरस छोड़ देते, और आज भी मालूम है इंसान ने ऐसे 1500 वायरस बना कर रखे हुए जो आज भी गुहान की लेबोरेटरी में पैक है, जब चाहे छोड़ सकते हो। पर अगर सच ना लगता हो तो गूगल का सर्च मार कर देखना, डिसीज एक्स, मतलब बीमारी एक्स, वो मैथ्स में पहले सीखने को आता था, किसकी उम्र 65 साल, उसकी पत्नी की उम्र 60 साल, तो बच्चे की उम्र कितनी है। फिर बोलते थे कि बच्चे की उम्र समझ लो ए है या एक्स है, फिर मालूम ना कैसे कैसे गिनती करते थे। पागल लोग डायरेक्ट जाकर पूछ नहीं लेते, भाई तेरी उम्र कितनी, क्या ए बी सी डी करने का। लेकिन ऐसे ही एक्स, जिसका नाम नहीं है वो एक्स, एक्स नाम की बीमारी आ रही है, और उसकी वैक्सीन बनना शुरू हो चुका है। और कल ही मैंने किसी के साथ बात की तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ये तो अभी अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि एक्स नाम की बीमारी आ रही, और WHO वाले ने बता दिया कि बीमारी इतनी फैलेगी और बहुत लोग मर जाएंगे। इसका मतलब पहले से तय है कि ऐसी बीमारी को भेजना होगा, कोई वायरस छोड़ देंगे उसको, और फिर लोगों को बोलेंगे भाई साहब अभी एक वैक्सीन और ले लो। कल के न्यूज़ में मालूम है कौन सी चैनल होगी, लेकिन उसके ऊपर ये आ भी चुका। तो ये शैतान की ओर से है, शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है ऐसे बनाने के लिए, वो काम करता है। लेकिन ये विपत्ति भी परमेश्वर के लोग और जो दूसरे लोग हैं उनकी पहचान में आ जाएगा, उन दोनों को पहचान लेगा। क्यों और किस तरह से वो पहचान सकता है? और बाइबल में वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, मतलब जिसका नया जन्म हुआ है वो पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ मतलब प्रभु यीशु की बात की है और विश्वासी लोगों की बात की है, उसे वह बचाए रखता है। हाँ, वो लोग उसको बचाए रखते हैं।
और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। और वो दुष्ट मतलब शैतान उसको छू नहीं सकता, चाहे कितने भी वायरस निकाले लेकिन परमेश्वर के लोगों को वो छू नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग मतलब वो लोग जो पाप नहीं करते। ये तीसरी विपत्ति भी जो है शैतान से, उससे भी परमेश्वर के लोग और शैतान के लोग पहचाना जाएगा। और ये सब कुछ जानने के बाद आप खुद अपने आप को पहचान सकते हो कि मेरा चाल चलन कैसा है और मुझे परमेश्वर में चलना है तो कैसे चलना है, और परमेश्वर में नहीं चलना तो मेरा क्या होगा, वो आप खुद अपने आप को जान सकते हो। हालेलुया।